अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा, जिसके लिए हमें चाहिए, हमने सबसे पहले हमने 8 ब्रेड लिए थे, उसे इस तरह से स्लाइस में काट दिया है हमने। एक ब्रेड में से हमने 4 पीस करे हैं इस तरह से। तो हमने पूरे 8 ब्रेड को इस तरह से काट के थोड़ा इसे ओवन में सुखा दिया था, थोड़ा हल्का सा, बस 4 से 5 मिनट हमने से OTG में से थोड़ा बस कड़क होने तक, इसे 5 मिनट तक हमने ओवन में रखा उसे कॉइल चालू करके। आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। सेम ऐसे ही सुखाए हमने जैसे हमने मोली के लिए ब्रेड्स धूप में सुखाए थे, आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं। हमने इसको ओवन में थोड़ा हल्का सा 5 मिनट रख के से ओवन को बंद कर दिया था। तो ये इस तरह से ये अच्छे कड़क हो गए हैं। फिर बाद में से हम कुकिंग ऑयल डाल के और ये असली घी जो जो हमने 2 टेबलस्पून लिया है वो डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। जिस तरह हमने उम्मू वाली ब्रेड तले थे सेम वैसे ही फ्राई करना है हमें। और चाशनी के लिए हमने ये इसी कप से 150 ग्राम कप से हमने 2 कप पानी लेके हम ये 1 कप भर के इसमें शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा 1 टीस्पून हम नींबू का रस डालेंगे इसमें और ये चाशनी बनाएंगे, शक्कर की चाशनी जैसे हमने उम्मू वाली मीठे के लिए बनाया था सेम वैसी ही चाशनी हमें बनाना है। बस 5 से 6 मिनट बॉईल करेंगे हम इसे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है हमें। जैसे हमने उम्मू वाली मीठे के लिए बनाई थी चाशनी सेम वैसी ही हमें इसे बनाना है। और हमने 150 ग्राम खवा लिया है बाद में, जिसके हम रबड़े बनाएंगे। हमें जितनी लगेंगे हम उतनी ही डालेंगे, लेकिन हमने 150 ग्राम खवा लिया है। हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप खवे की, चाशनी की और दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दूध हमने 1.5 पाव लिया है, 1.5 पाव जो है जो 350 ग्राम उतना है, 300 ग्राम और थोड़ा सा 50 ग्राम लिया है हमने दोस्त। तो हमने 0.5 लीटर को 150 ग्राम कम उतना दूध लिया है हमने, तो टोटल ये 1 कप और आधा कप दूध है। टोटल हमने 2 कप और 1 कप दूध लिया है, आप चाहे तो कम ज़्यादा ले सकते हैं। और हमें रबड़ी बनाने के लिए 150 ग्राम खवा और 300 ग्राम दूध लगेगा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जो हमने जितना लगेगा हम उसमें से उतना ही डालेंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लावर, जो हमें बाद में गार्निशिंग के लिए भी लगेगा, जिसमें हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे तो उसमें भी डालने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर लगेगा। और रबड़ी में हम इलायची पाउडर डालेंगे, जो हमने 1 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर, जो हमने शक्कर डालकर इलायची को पीस लिया था। और फ्रूट कलर लगेगा, जिसे जो हमने ऑरेंज लिया है, आप चाहे तो आपके पसंद से येलो कलर भी ले सकते हैं, तो हमने ऑरेंज कलर लिया है। और हमें बाद में गार्निशिंग के लिए टूटी फ्रूटी और पिस्ता लिया है। और बाद में हम ये रूह अफ़ज़े से इसका सिरप बनाएंगे, जो हमें गार्निशिंग के लिए लगेगा, तो हम आपको बताएंगे कि कितना लेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम शक्कर की चाशनी बनाते हैं। हमने इस कप से 2 कप पानी लिया था, बॉईल होने के लिए रख दिया था, उसमें हमने जो शक्कर ली थी वो डाल दी है, जिसे हम 5 से 6 मिनट बॉईल होने देंगे। ये पानी हमारा, शक्कर की जो चाशनी रखी थी इसमें हमने शक्कर डाल दिया था, ये पहले से गर्म था तो इसलिए जल्दी से उबल गया, तो अब इसमें हम वो जो कलर रखा था फ्रूट कलर वो डाल दिया। ये 3-4 मिनट से बॉईल हो रहा है हमारे ये पानी,
इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस जो हमने रखा था बस बिल्कुल आधा टीस्पून डाल देते हैं। तो ये हमारा शक्कर अच्छी तरह से घुल चुकी है। ये शक्कर की चाशनी हमारी अच्छे से बन गई है। अब इसे हम और आधा मिनट रहने देंगे, इसके बाद हम गैस बुझा देंगे। फिर इसके बाद हम इस पर रबड़ी बनाएंगे। अभी अच्छे से और तैयार हुए, हम इसे गैस बंद कर देंगे। अब हमने रबड़ी के लिए ये दूध को बॉईल होने रखा है। ये टोटल हमने आधा लीटर दूध बॉईल को रखा है, इसमें से हमें जितना लगेगा हम उतना ही लेंगे। रबड़ी के लिए हमें इसमें से 1.5 पाव ही दूध लगने वाला है। तो हम पहले आधा लीटर दूध हम पहले उबाल ले रहे हैं, इसके बाद हमें 1 कप भर के दूध लगेगा, हम उतना निकाल लेंगे। इस कप के हिसाब से बॉईल पहले अच्छे से बॉईल होने देंगे, उबाल आने तक गर्म करेंगे। इसे दूध हमारा 2-3 मिनट से बॉईल हो रहा है, इसे हम अच्छे से एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। कभी भी दूध का कुछ भी बनाना हो तो उसे पहले गर्म कर लेना, क्योंकि अगर दूध फूट गया तो फिर हम जो भी खवा या कुछ भी डाल रहे हैं इसमें तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ बनाना हो दूध की तो उसे पहले गर्म कर लेना। तो हम इसमें से थोड़ा दूध निकाल लेंगे, क्योंकि ये 500 ग्राम आधा लीटर दूध है, तो हम 300 ग्राम लेंगे इसमें से, बाकी को 100 ग्राम रख देंगे, 200 ग्राम रख देंगे इसमें से हम। और अगर लगा हमें रबड़ी गाढ़ी हुई तो हम फिर इसमें और डाल देंगे। तो हमें जितना लगेगा उतना ही लेंगे हम। ये दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें उबाल आ गया है। अब इससे हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, हमने इसमें से 150 ग्राम के करीब दूध निकाला है। ये खप्पा इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से इसे घुलने देंगे। इसमें से हमने थोड़ा सा रखा है, अगर हम लगेगा और तो हम इसमें से और डालेंगे, लेकिन हमें दूध के हिसाब से इतना ही लग रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें से हमने बचा दिया है, खोवा थोड़ा सा खोवा हमने बचा दिया है इस तरह से। अगर हमें लगेगा और तो हम और डालेंगे। हम 7 से 8 ब्रेड के लिए शाही टुकड़ा बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें इतनी रबड़ी बस हो जाएगी। आप खवा और शक्कर आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें हम बस 2 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे। स्लो कर देंगे, फिर 2 टेबलस्पून ही डाल रहे हैं हम, क्योंकि हम ब्रेड को शक्कर की चाशनी में डुबाने वाले हैं, इसमें डीप करने वाले हैं। इसके लिए हम इसमें बस थोड़ी सी टेस्ट के लिए डाल रहे हैं शक्कर, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे हम, बिल्कुल 1/4 टीस्पून नमक।
फिर अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, थोड़ा सा से दूध में घोल लेंगे। इस तरह से हमने 2 टेबलस्पून दूध लेकर ये कॉर्नफ्लावर जो हमने रखा था उसमें से हमने 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून ही कॉर्नफ्लावर लिया है हमने। इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसके हमने रबड़ी को अच्छे से गाढ़ी करना है और इसमें हम इलायची डालेंगे। ये इलायची पाउडर जो रखा था हमने वो डाल देंगे इसमें। हम इसे चख लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर और अच्छे से हमने कप को जो कप में जो था उसे अच्छे से दूध मिक्स करके और डाल दिया हमने। टोटल हमने इसमें 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। बस इसी इस तरह ये गाढ़ी हो चुके हैं इसे। फिर ये थोड़ी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। हमें ना बहुत ज़्यादा ठीक चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतली। थोड़ा हमें लग रहा है कि हम थोड़ा इसमें और कॉर्नफ्लावर लगेगा थोड़ा हम और इसमें, तो इस टोटल हम फिर 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। जो हमने कॉर्नफ्लावर रखा था उसमें से थोड़ा सा बचाया था तो उसमें से हम और ले ले रहे हैं। बस हमने थोड़ा सा उसे बचा के रखा। ये और कॉर्नफ्लावर हम इसमें डाल देंगे। बस हम चमचे को जल्दी जल्दी से हलाकर गैस हम बुझा देंगे। ये अभी हमारी अच्छे से हो चुकी है रबड़ी। ये बस अब हम गैस बुझा देंगे। हमारी रबड़ी थोड़ी हमको पतली लग रही थी तो हमने इसे और 1.5 मिनट होने दिया है। और बहनों हमने वो जो खोवा रखा था वो भी डाल दिया है। तो हमने टोटल जितना आपको बताया था उतना पूरा खोवा इसमें डाल दिया है। ये इस तरह से ये अच्छे से ठीक हो चुकी है। ये हमने इसमें बाकी का भी जो खोवा था डाल दिया। तो बस हमें इस तरह चाहिए, इतनी ठीक इस तरह से। तो बस अब हम गैस को बुझा देंगे। अब ये हमारी रबड़ी तैयार है। हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। इसे हम बंद कर देंगे और अब ब्रेड तलेंगे। हम सेम वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे हमने उम्मू अली के ब्रेड को फ्राई किया था। और जिस तरह से हमने ये रबड़ी भी उसी तरह की बनाई है हमने जिस तरह से हमने उम्मू अली के लिए बनाई थी। तो चलिए अब हम ब्रेड तलेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल रखा है गरम होने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गरम होगा तो उसमें हम ये जो घी रखा था वो उसमें हमने कुकिंग ऑयल लिया है हमने इसमें सादा कुकिंग ऑयल
इसमें हम एक टेबल स्पून ये देसी घी डाल रहे हैं। आप चाहे तो पूरे देसी घी में भी तल सकते हैं, चाहे तो, या चाहे तो आप पूरे तेल में भी तल सकते हैं। तो हमने ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया तेल। अब इसमें हम ब्रेड डालेंगे, इसमें हम एक एक करके ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस इससे हमें बिल्कुल 30-40 सेकंड ही फ्राई करना है। ये हमने से ऑलरेडी सुखा दिया था ओवन में, तो इसलिए हमारे बहुत जल्दी फ्राई हो रहे हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं इससे। क्योंकि हम अगर आप ब्रेड को थोड़ी देर पहले, आधा एक घंटा पहले अगर धूप में रख दिए फ्राई करने से पहले, तो बहुत जल्दी तले जाते हैं। ज़्यादा तेल या घी नहीं, ज़्यादा जब्स नहीं करते, बिल्कुल कम ऑयल में, कम घी में फ्राई हो जाते हैं। अगर आप तलने से पहले, फ्राई करने से पहले अगर से धूप में या ओवन में थोड़ी देर रख दिए, बस हमें इस तरह ही से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं होने देना है। इस तरह से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे बस। जल्दी जल्दी से पलटा देंगे इस तरह से। ये इस तरह से इसका तेल हमको अच्छे से निथारना है। इसका तेल हम अच्छे से निथारेंगे, जैसे हम बाद में शक्कर के चाशनी में भी डीप करने वाले हैं। इसे इस तरह से बस हमें फ्राई होने देना है। तो इसी तरह पहनो हम पूरे एक के बाद एक पूरे ब्रेड फ्राई कर लेंगे। तरह से ये तो पूरी हम इसी तरह पूरे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। हमने ये तो हमारे ये इस तरह के ब्रेड ये पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम शक्कर की चाशनी में डुबा कर फिर इस पर गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हम रोह अफ़ज़े का सिरप बनेंगे। सबसे पहले हम एक चम्मच इसमें पानी डालेंगे। ये इस चम्मच से एक चम्मच पहले सबसे पहले पानी डालेंगे। के बाद हम इसमें फिर ये दो चम्मच रोह अफ़ज़ा डालेंगे। दो से तीन चम्मच इसमें रोह अफ़ज़ा डाल देंगे। और जो हमने ये कॉर्नफ्लोर रखा था आधा चम्मच, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे। बस हमें इसे अच्छे से जल्दी जल्दी से इस तरह से हिलाना है। गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। थोड़ा सा हम एक चम्मच और डाल देंगे। टोटल हमने इसमें चार टेबलस्पून रोह अफ़ज़ा डाला और दो टेबलस्पून पानी डाला।
और आधा टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है। तभी और एक टेबलस्पून पानी और डाले हमने, टोटल हमने 3 टेबलस्पून पानी और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबलस्पून कॉर्न रूह अफ़ज़ा डाला। इस तरह से हमारा अच्छे से इस तरह गाढ़ा हो गया हमारा ये रूह अफ़ज़ा। अब इसे हम अब गैस को बुझा देंगे। इसे हमारी ये सिरप तैयार है रूह अफ़ज़ा का। इस हमने इसे 2 से 3 मिनट ही पकने दिया। तो चलिए अब गैस बंद कर देते हैं। हमने चाशनी को थोड़ी गर्म करके निकाला है और ये रबड़ी को भी हमने अच्छे से छान लिया है। रूह अफ़ज़े के भी सिरप तैयार है और हमने ये तोस को भी हम अब इसमें शीरे में डुबाकर ये ट्रे में इस तरह की ट्रे लिए हैं हमने इस तरह की ट्रे लिया है। तो इसमें हम शाही टुकड़े को अच्छे से गार्निशिंग करेंगे, इसमें सेट करेंगे। और गार्निशिंग के लिए हमने चांदी का कवर और पिस्ता टूटी फ्रूटी लिया है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसमें इस तरह से इसमें डालकर इस तरह से इसमें थोड़ा हमने शीरे को थोड़ा गर्म कर दिया था। और इसके जो ब्रेड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखते हैं, इसे थोड़ा क्रिस्पी ही रहने देना है हमें, क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम इसमें एक के बाद एक इस तरह से पूरे ब्रेड को हम इस तरह से रख देंगे इसमें। थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम थोड़ा और शक्कर का शीरा इसमें डाल देंगे इस पे ऊपर। इसी तरह हम पूरे ब्रेड सजा लेंगे। ये पूरे ब्रेड को हमने चाशनी में शक्कर की चाशनी में डुबा के निकाला। इस पे हम थोड़ा सा और ये और चाशनी शक्कर की चाशनी और डाल देंगे इस तरह से। पूरे ब्रेड को अच्छे से बस हमें बहुत ज़्यादा इसे नरम नहीं होने देना है। इसके बाद हम इस पर रबड़ी डालेंगे। अब हम इस पर रबड़ी डालेंगे इस तरह से, ये रबड़ी डालेंगे इसी तरह से पूरे ब्रेड पर डालेंगे। तरह से हमने पूरे ब्रेड पे रबड़ी डाल दिया है। अब इस पर हम ये रूह अफ़ज़ा वाला सिरप डाल देंगे। इसके बाद हम ये जो रूह अफ़ज़े का सिरप बनाया था वो डालेंगे हम। बस उसे हल्का सा 1 टीस्पून से बस तरह से डालेंगे। इस तरह से हमने इस पर डाल दिया है। उसके बाद फिर हम ये पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से पिस्ते और ये टूटी फ्रूटी जो हमने रखा था ये भी अच्छे से डाल देंगे इस पर।
इस तरह से हम चांदी का कवर इस पर लगा दें। तो लीजिए बहनों, ये हमारा लजीज लजीज और क्रिस्पी शाही टुकड़ा तैयार है, जिसे आप ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं।